हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह का बज रहा है 3:10 या फिर आप रात का भी कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और अपन बिल्कुल रेडी है अब निकलने के लिए स्टेशन, क्योंकि 4:15 बजे अपनी ट्रेन है। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत बढ़िया लगता है हमको, बढ़िया अपना शांति एकदम और ताजी ताजी ठंडी हवा। अब सर्दियां तो है तो ठंडक तो है, लेकिन जो सुबह की हवा का मजा है वो अलग ही होता है। अभी पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और हम अपनी बाइक से ही आए थे, बाइक को लगा दिया स्टैंड पे। अभी अपन आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर, और आज जिस ट्रेन से अपन जा रहे हैं वो है अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस, जो कि अभी राइट टाइम चल रही थी, थी आ गई है, बस कुछ ही देर में आने वाली है। वैसे भी उसको टाइम बहुत ज्यादा दिया गया है, क्योंकि भाई मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए उसको काफी ज्यादा टाइम दिया गया है। ये जो अपनी जर्नी है ना, ये ऑलमोस्ट 12 घंटे की होने वाली है। अभी सुबह 4 बजे अपन निकलेंगे यहाँ से झांसी से, और शाम को 4 बजे अपन पहुंचे। कुछ जगहों के नाम तो कुछ अलग ही होते हैं भाई, कभी कोई बोलने में गड़बड़ हो जाता है। अभी हमने ऑनलाइन देखा तो भाई सेवड़ा मतलब वैसे दिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है सावड़ा, मतलब सावड़ा समझ सकते हो आप, हिंदी में उसको सावड़ा कहते हैं। अपनी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म पे, तो अभी फिलहाल तो हम जाके यार सीधा सोएंगे, क्योंकि भाई बहुत जोरदार नींद आ रही है। रात में क्या हुआ, शादी से आए थे, उसके बाद 2-2.5 घंटे की मात्र नींद पूरी हुई है, तो जोरदार नींद आ रही है। अब 4-5 घंटे कम से कम 12 घंटे में से तो हम सोने वाले हैं इस ट्रेन में। चलो यार सामान वामान रखते हैं और सोते हैं। नींद तो भाई सब तगड़ी आ रही थी, बढ़िया सो लिए। अभी बज रहा है सुबह का 11, बस अभी अपन पहुँचने वाले हैं डांसिंग जंक्शन। और यहाँ इंटीरियर देख रहे हो ना, विनाइल कोटिंग वगैरह अच्छी की गई है इस कोच के अंदर, ये अमृतसर एक्सप्रेस में। और खाना हमने ऑर्डर किया था यहाँ से इटारसी से, पता नहीं क्या हुआ सबको आया, कह रहा हमारे पास ये गुजरात में मेहनसाना है वहाँ पर ऑर्डर पहुँचा है। हमने अब क्या करें, कैंसिल कर दो भाई सब, देखते हैं कुछ खाने पीने को तो यहीं से लेना पड़ेगा इटारसी से, क्योंकि इसके आगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। अभी आ चुके हैं इटारसी, ट्रेन अपनी लेट हो गई यहाँ पर 10 मिनट से, और अभी देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नाश्ता वगैरह बाकी। अभी ट्रेन में खाने का ऑर्डर लेने वाला आया था, तो उससे बोल दिया हमने एक करी थाली की, तो देखा अपन वो 170 रुपए की। बाकी यहाँ पर देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह, चाय अच्छी सी मिल जाए, बस गर्मा गर्म चाय ले ली है यहाँ पर, ठीक है। और पानी की बोतल भी ले ली, हमारे पास 500 का नोट था, चेंज नहीं था, इस चक्कर में पानी की बोतल एक्स्ट्रा लेनी पड़ गई हमको, और उसके बाद क्या था 20 रुपए की बोतल है। फिर भाई सब वही नाटक हर जगह इन लोगों का। और अभी अपना जो खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो कहीं और गुजरात में पहुंच गया था, उसका फोन आया था, अभी आगे एक और फोन कह रहा भाई हम सीट पे बैठे खाना लेके, हमने चलो आ रहे हैं। अब जो ट्रेन में ऑर्डर दिया है उसको कैंसिल कर देंगे अभी ये टारसी से। और अभी वही हुआ भाई साहब, वो भी खाना लेके आ गया, वो भी खाना लेके आ गया, डबल डबल खाना आ गया। हमने उससे बोला कि भाई साहब हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अब उसका फोन आया था, बोल रहा था गुजरात पहुंच गया ऑर्डर, इसलिए हमने आपसे बोल दिया। कहना नहीं अब लेना पड़ेगा, नहीं ऐसी कौन सी बात है यार, नहीं लेना पड़ेगा हमने, ऐसा थोड़ी ना कि तुमने हमसे ऑर्डर लिया है फिर अभी यार पैक करा के बिल्कुल हमारे लिए लाए हो, चला गया करा, ठीक है। तो ये रहा अपना आज का लंच, यहाँ पर है 2 एग की अंडा करी मंगाई थी अपन ने, और 8 रोटी तवा रोटी मंगाई थी। एग करी का स्वाद ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा हमको, ठीक है, मतलब एवरेज समझ लो। तो बस लंच करके सो गए थे थोड़ी देर, और यहाँ तो यार एकदम गर्मी हो रही है सही में। अपना इधर पे झांसी साइड तो इतनी बढ़िया सर्दी हो रही थी, जैकेट वैकेट सब पहन के आए थे, इनर पहन के आए थे, लेकिन यहाँ तो धूप है, ऊपर से तगड़ी वाली गर्मी हो रही है। फाइनली अभी अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं सावदा, और यहाँ पर हमको एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या काम है वो तो अभी हम नहीं बताएंगे आपको, अगर काम हो जाता है तो वो तो आपको फिर पता ही चल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वाला काम हो गया तो बहुत ही जल्दी एक जर्नी मिलेगी आपको किस पे, ट्रेन लवर्स HY चैनल पर। आप देख रहे हैं उसी काम के लिए आए, वो काम होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, और यहाँ से वापस लौटने का भी किसी ट्रेन में कोई टिकट नहीं है आपको। जिस प्रकार से भाई साहब बहुत तगड़ा वाला आर पार वाली लड़ाई है, या पार हो गए तो पार हो गए, नहीं तो फिर तगड़े बच जाएंगे, यहीं फंस जाएंगे। लेकिन भाई अभी हमने ऑनलाइन चेक किया, यहाँ पे कोई भी होटल्स वगैरह नहीं है, अगर हमको रूम लेना हो तो होटल्स भी नहीं है। और यहाँ पर मात्र एक ही ट्रेन रुकती है अमृतसर एक्सप्रेस, जिससे अभी अपन लोग आए हैं, आते टाइम भी जाते टाइम भी मात्र एक ट्रेन इस स्टेशन पे रुकती है, तो ये भी एक समस्या है। अभी हमने ऑनलाइन देखा कि हमने खाना वाना रात को मिल जाएगा, कि ये वो भी नहीं मिलेगा, तो खाना भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मतलब जोमेटो वगैरह पे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो है वो शो नहीं हो रहे। अब देखने पड़ेंगे आसपास कुछ रेस्टोरेंट वगैरह होगा, कुछ खाने पीने को होगा तो देखते हैं। स्टेशन के बाहर तो अभी हमने देखे एक दो दुकानें हैं, चल रहे यार शाम की चाय पी लिया, अब खाने का तो कोई भरोसा नहीं है, हम सब चाय पी लिया, वहीं पूछ लेंगे वहाँ के लोगों से कि भैया कहाँ है रेस्टोरेंट। और ये रेलवे स्टेशन भी ना बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वेटिंग रूम तो छोड़ो, मतलब यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह अभी कुछ भी नहीं बनी। रेलवे स्टेशन के सामने ही एक दुकान है, वहीं पे आ गए अपन चाय पी रहे हैं, और साथ में पापड़ी लिए 10 रुपए की, तो ये रही पापड़ी, इसके संग जो है हरी मिर्ची भी है,
तो अभी खाएंगे, अभी चाय आ जाए गर्मा गर्म, उसके साथ में पापड़ी खाएंगे। तो पापड़ी का टेस्ट तो बढ़िया है, बेसन की रहती है और बढ़िया सॉफ्ट है, एकदम कुरकुरी भी है और सॉफ्ट भी है साथ ही, बताया जो है ना साथ में वो वाइजा बहुत तीखी है, तो मिर्ची तो हम ज़्यादा खाएंगे, बस पापड़ी पापड़ी खाएंगे, अच्छा है स्वाद बढ़िया है। ये लोग अपनी जो है गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, बस पापड़ी और चाय शाम का नाश्ता अपना ही आज, बढ़िया चाय गर्मा गर्म, चाय और पपड़ी खा के हम वापस आ गए रेलवे स्टेशन पे। और अभी वहीं से हमने पता किया तो पता चला है कि यहाँ से थोड़ा आगे जो है रेलवे स्टेशन से ही उतर जाएंगे प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पे आगे की साइड जो है क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से पार करेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, करीब 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे और सब खाने पीने की व्यवस्था है। हमने पूछा होटल वगैरह मिल जाएगा क्या रुकने के लिए व्यवस्था, कोई कह रहे वो तो नहीं है, यहाँ से आपको या तो भुसावल जाना होगा या इस साइड जो है खंडवा है वहाँ जाना होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने रात का बच गया है 8 और अभी भूख लगनी भी शुरू हो गई है, तो उन भैया ने जो बताया था ना एड्रेस यहीं पे पास में, तो बस वहीं जा रहे हैं, 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो पैदल पैदल जा रहे हैं, देखते हैं खाने पीने को क्या मिलता है। ये तो भाई साहब रोड है देखो एकदम सुनसान, और एक दो गाड़ियाँ दिखेंगी आपको, इधर ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा और पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, एकदम कुछ भी नहीं दिखा। देखो गाड़ी निकल गई, अब मोबाइल की फ्लैश जलाई है लेकिन इतना अंधेरा है कि फ्लैश से भी नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद करीब 15 मिनट के आसपास लगा अपन आ गए एक ढाबे पर, बढ़िया है ओपन लोकेशन है और ढाबा है, अपन ने ऑर्डर कर दिया एक सेव भाजी और साथ में तवा रोटी, क्योंकि ढाबे वगैरह की ना एक तो दाल बढ़िया होती है और होती है सेव भाजी बढ़िया, सेव भाजी अभी ऑर्डर कर दी है, बात है तो फिर देखते हैं कैसा टेस्ट होगा, 100 रुपये की है यहाँ पर सेव भाजी, अब देखते हैं टेस्ट उसके हिसाब से है भी या नहीं है। अपना खाना आ चुका है, ये रही अपनी सेव भाजी, थोड़ी सी स्प्लिट में निकाल ली क्योंकि गर्म है एकदम ठंडी करने के लिए, पापड़ है यहाँ, प्याज है सलाद में और रोटी, तवा रोटी ही मंगाई है अपन ने, तो सेव भाजी में तो हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसलिए दाल फ्राई और मंगा ली हमने। डिनर करके वापस आ गए रेलवे स्टेशन और हम आ रहे थे वापस, वो पैदल पैदल आ ही रहे थे, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट वाले भैया एक को जाना होगा कहीं जा रहे होंगे, तो रास्ते में आधा रास्ता तो हमको वहीं छोड़ दिया, हमने चलो यार सही रहा आधा रास्ता उनने छोड़ दिया, आधा हम पैदल पैदल आ गए, बस टेंशन खत्म। और हमने सोचा था यार सेव भाजी बढ़िया होगी, दूध में बनती वो वाली होगी, लेकिन ये थी मसाला वाली, तो मसाला इतना ज़्यादा कि हम पे जला ही नहीं, इसलिए हमने फिर दाल फ्राई मंगवाई, दाल फ्राई बढ़िया थी। तो जिस काम के लिए आए हैं तो चलो हम अपना काम हम देखें यार, हो रहा नहीं हो रहा क्या हो रहा, ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ट्रेन लवर से अपनी इंस्टाग्राम आईडी है वहीं फॉलो कर लो, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय।